वेलकम लर्नर, आई एम डॉक्टर आशुतोष कुमार भट्ट, एसोसिएट प्रोफेसर, स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड आईटी, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी हल्द्वानी। आई होप द टॉपिक डिस्कस टुडे विल डेफिनेटली बेनिफिट यू। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस जावा सर्वर पेजेस जेएसपी। सो व्हाट आर द कुकीज एंड हाउ दे आर वर्किंग एंड हाउ वी हैव टू राइट प्रोग्राम ऑन कुकीज। सो वील डिस्कस अबाउट all these facts in this lecture. So basically cookies are the text file stored on the client computer and they are kept for various information tracking purpose. And this means when we log in our server system, जैसे हम किसी browser पर जाते हैं, तो जब भी हम browser पर जाते हैं तो हम log in करते हैं, हमारी log in information, यूजर नेम पासवर्ड हम उसमें देते हैं, या हम कुछ कोई भी एक्शन कर रहे हैं, कुछ वेबसाइट्स हमने ओपन की हैं, तो वो वेबसाइट हम जो भी वेबसाइट हमारे सिस्टम पे हमारे ब्राउजर पे ओपन है, सपोज हम उसको वहीं पे छोड़ दे रहे हैं, इंटरनेट कनेक्शन हमारा चला जाता है या फिर हम जो है काम करना बंद कर देते हैं, तो नेक्स्ट टाइम जब हम वहीं जब हम दोबारा से उस ब्राउजर को ओपन करेंगे और नेट सर्फिंग स्टार्ट करेंगे, तो हमको जो जहाँ तक हमने पहले काम किया है वहीं से हमको आगे काम हम स्टार्ट कर देते हैं, मतलब वो चीज़ आपको सेम मिलेगी। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कुकीज़ हैं उसमें, तो कुकीज़ वो प्रीवियस इंफॉर्मेशन को सेव करती हैं। सो कुकीज़ आर द टेक्स्ट फाइल विच स्टोर्ड ऑन द क्लाइंट कंप्यूटर एंड दे आर केप्ट फॉर द वेरियस इंफॉर्मेशन ट्रैकिंग पर्पज। तो जैसे हम लॉगिन कर रहे हैं तो लॉगिन करते वक्त हमारा जो यूजर नेम पासवर्ड दे रहे हैं तो वो भी एक छोटी सी फाइल में, यूजर नेम और पासवर्ड हमारा जब हम सर्वर से कनेक्ट होते हैं तो सर्वर तक पहुंच जाता है। सो जेएसपी टेम्परेरीली सपोर्ट एचटीटीपी कुकीज यूजिंग अंडरलेइंग सर्वलेट टेक्नोलॉजी। तो मैं इसको इस एग्जाम्पल से आई एम गिविंग यू वन एग्जाम्पल वेर यू कैन अंडरस्टैंड दिस कि when we log in and when we send the request to the server, so this is HTTP browser and here we are sending the request to the HTTP servlet. और जब हम इसको request भेजते हैं और इसके तो हमारे इस request के साथ ही साथ या हमारा जो response आ रहा है उसके साथ एक small file add हो जाती है जिस file को हम बोलते हैं cookie. And this cookie is having some स्मॉल इंफॉर्मेशन। स्मॉल इंफॉर्मेशन मीन्स कुछ इंफॉर्मेशन जैसे यूजर नेम, होस्ट नेम या जिस कंप्यूटर से हमने लॉग इन किया हुआ उस कंप्यूटर का नेम इस कुकीज के साथ ऐड होकर के यहाँ सर्वर पे जाएगा। तो अब देखिए इसका जो प्रैक्टिकल एग्जांपल है, सपोज इन ए फ्लिपकार्ट और इन अमेजन साइट at a time suppose thousands of users are logging. So when every user send the request to the server, Amazon server, so it send a small cookie too. तो जब वो small cookie भी उस server पर पहुँचती है और उसके बाद server पर हम item select करते हैं, उसको shopping cart में हम send करते जाते हैं, उसके बाद हम payment वाले option पर आते हैं, फिर deliver होता है आइटम हमारा, तो इस सारी प्रोसेस में कुकी इज अलोंग विद अस। तो जब हमारा जैसे हमारा पेमेंट रिक्वेस्ट आता है तो पेमेंट किस अकाउंट से पेमेंट होगा, तो जिसकी रिक्वेस्ट आई उसी अकाउंट से पेमेंट होगा। तो इसको कौन मैनेज करता है, इस सेशन को, द होल सेशन इज मैनेज बाय द कुकीज। सो कुकीज आर अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर सेशन ट्रैकिंग ऑल्सो एंड टू रिकोगनाइज सर्वर दैट which request is sent by which user. तो कौन सी request किस user ने भेजी है वो cookie ही बताएगा। So that's why cookie is a very important concept. So come to the first slide again. So cookies are the text file. Cookies क्या है, text file है, बहुत छोटी सी text file होती है, store on client computer. ये client के computer में भी store होती है and these files are sent to the server also. या सर्वर से भी हमको रिस्पांस के साथ हमको वापस आएंगे एंड दे कैप्ट वेरियस इंफॉर्मेशन ट्रैकिंग पर्पस। जेएसपी ट्रांसपेरेंटली सपोर्ट एचटीटीपी कुकीज विच अंडरलेइंग सर्वलेट टेक्नोलॉजी।
अब अगले उस पर देखिए, देर आर थ्री स्टेप्स इन्वॉल्व इन आइडेंटिफाइंग रिटर्निंग यूजर। सर्वर स्क्रिप्ट सेंड द सेट ऑफ कुकीज टू द ब्राउजर, फॉर एग्जाम्पल नेम, एज, आइडेंटिफिकेशन नंबर एक्सेट्रा। तो जैसे ही हम सर्वर पर रिक्वेस्ट किया हमने, तो सर्वर ने सर्वर पर हमारी रिक्वेस्ट की एंड आवर कुकी ऑल्सो सेंड वेंट टू द सर्वर, एंड सर्वर हैज सर्वर ने वो जब तक हम लॉग इन हैं, सपोज हम आधे घंटे लॉग इन किए हुए हैं, या हम 10 मिनट तक हम लॉग इन हैं अमेजन की साइट में, हम आइटम सर्च कर रहे हैं, सर्च करते करते हमें 10 मिनट लग गया, तो 10 मिनट वी आर इन द साइट। सो उसके बाद जब रिस्पॉन्स करेंगे तो रिस्पॉन्स के टाइम पे ये कुकीज भी हमारी ब्राउजर पे आएगी, और रिस्पॉन्स किसका है इसको आइडेंटिफाई, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम ये देखते हैं कि रिक्वेस्ट किसकी आई। तो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल और सेशन ट्रैकिंग के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो इसमें फिर इसमें तो सर्वर स्क्रिप्ट सेंड सेट ऑफ कुकीज टू द ब्राउजर, फॉर एग्जांपल नेम, एज, आइडेंटिफिकेशन नंबर एक्सेट्रा। ब्राउजर स्टोर दिस इंफॉर्मेशन ऑन लोकल मशीन फॉर फ्यूचर यूज, और ब्राउजर भी इस इंफॉर्मेशन को सेव करता है फ्यूचर यूज के लिए। व्हेन नेक्स्ट टाइम ब्राउजर सेंड ए रिक्वेस्ट टू वेब सर्वर, इट सेंड दोज कुकी इंफॉर्मेशन टू सर्वर, एंड सर्वर यूजेस द इंफॉर्मेशन टू आइडेंटिफाई यूजर मे यूजर और मे बी फॉर सम अदर पर्पज एज वेल। तो ये जो कुकीज हैं ये जब भी ब्राउजर में सेव रहेंगी, तो जब भी हम सेंड करेंगे और जब रिक्वेस्ट हमारी वापस आएगी, तो उस समय उसको ट्रैक करने के लिए हम कुकीज की हेल्प लेते हैं। और द कैश ऑफ ब्राउजर, यू नो द कैश ऑफ ब्राउजर, ये कैश का काम क्या है कि जहाँ तक हमने प्रीवियस एक्शन में जितना हमने किया हुआ है प्रीवियस टाइम में, उसी टाइम तक हमको जब भी हम लॉगिन करेंगे तो वो सब कुछ हमारा ओपन हो जाएगा। जिस पेज को हमने लास्ट टाइम ओपन किया है वो पेज हमारा ओपन रहेगा। तो अब इसमें देखते हैं कुछ पॉइंट और हैं। तो ये प्राइवेसी और सिक्योरिटी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। सर्वर कैन रिमेंबर योर प्रीवियस एक्शन इन केस ऑफ कुकी, कि आपने कुकीज में हमारा जो है कब हम, अब ये डिपेंड करता है कि यूजर पे या प्रोग्रामर पे कि हाउ ही हैज डिजाइन द सर्वर सिस्टम और सॉफ्टवेयर। अगर उसमें हमने ये प्रोविजन किया हुआ है कि हम प्रीवियस एक्शन को स्टोर सेव करके रखें कुकीज में, तो हमको मालूम चल जाएगा कि लास्ट टाइम व्हाट वी हैव डन। इफ यू गिव आउट पर्सनल इंफॉर्मेशन, सर्वर कैन लिंक दैट इंफॉर्मेशन टू योर प्रीवियस एक्शन। इफ यू गिव आउट पर्सनल इंफॉर्मेशन, सर्वर कैन लिंक दैट इंफॉर्मेशन ऑन प्रीवियस एक्शन। तो अगर आप पर्सनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो वो प्रीवियस एक्शन को उसका उसके लिए ये लिंक करेगा। और हमेशा ये भी ध्यान रखना है कि वी डोंट हैव टू पुट एनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इन कुकीज। सो पुअरली डिजाइन साइट जो होती हैं वहाँ पे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लाइक क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन एंड पासवर्ड, इस तरह की इंफॉर्मेशन हमको कुकीज में नहीं देनी चाहिए। तो हम कुकीज कैसे वर्क करती है इस पर भी आते हैं। तो हाउ वी विल क्रिएट द कुकीज, तो वी कैन यू कॉल द कुकी कंस्ट्रक्टर विद कुकी नेम एंड कुकी वैल्यू बोथ of which are setting. So here you can see cookie, its object is cookie, this is the class cookie and its object is cookie, and with the help of cookie constructor you can see here new cookie means this is the class cookie and its constructor cookie and key comma value. So we have given here key comma value, suppose key is the name and value is the ame. अगर यहाँ पे नेम अगर यूजर नेम है तो यूजर नेम की में आ जाएगा, और यूजर नेम की वैल्यू क्या होगी, जैसे आपने दिया है अमित 123@gmail.com, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस की। सो कीप इन माइंड नाइदर द नेम नॉट द वैल्यू शुड कंटेन एनी वाइट स्पेस एनी ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर। और ये जब हम कुकी के की और नेम वैल्यू को हम मेंशन करते हैं तो दोनों में हमको स्पेशल कैरेक्टर, वी डोंट हैव टू यूज एनी स्पेशल कैरेक्टर लाइक दैट, तो ये हमको यूज नहीं करना है। तो हम केवल यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे, जैसे हमें अमित 123 लिखना है, एट द रेट साइन उस पर नहीं आएगा बिकॉज इट नेवर अलाउ एनी स्पेशल कैरेक्टर, ये जो नीचे दिए हैं इन स्पेशल करेक्टर को ये अलाउ नहीं करेगा। कीप इन माइंड नाइदर नेम नॉर वैल्यू, दोनों में से कोई भी नहीं। और अब इसके बाद अब कुकी जो है, अब हमने यहाँ पे कुकीज मेंशन कर ली, ऐसे ही की मैंने पहले बोला था कि यूजर नेम एंड इट्स वैल्यू एंड पासवर्ड एंड इट्स वैल्यू,
सिस्टम नेम एंड इट्स वैल्यू। तो सपोज हमने तीन इंफॉर्मेशन दी यहाँ पे, यूजर नेम, दूसरी इंफॉर्मेशन तो दूसरी लाइन लिखनी होगी यहाँ पे, पासवर्ड फॉर पासवर्ड एंड द थर्ड लाइन फॉर, तीसरी लाइन हम यहाँ पे लिखेंगे होस्ट नेम। सपोज हम जिस कंप्यूटर से लॉगिन कर रहे हैं उसका नेम देना चाह रहे हैं तो होस्ट नेम। सो देयर आर थ्री की, फर्स्ट की इज नेम, सेकंड की इज पासवर्ड, थर्ड की इज होस्ट नेम एंड करस्पॉन्डिंगली देयर वैल्यू। तो उनकी वैल्यू, नेम की वैल्यू जो भी है जैसे अमित 123 है, पासवर्ड उसका जो भी पासवर्ड सीक्रेट पासवर्ड है, और होस्ट नेम मीन्स जिस कंप्यूटर से लॉगिन कर रहे हैं उस कंप्यूटर का नेम। तो सपोज हम तीन वैल्यू रहे, यहाँ पे तो हमारी एक वैल्यू है, सो वी कैन राइट हियर थ्री वैल्यू इन केस ऑफ कुकी। नाउ द कुकी द टाइम, इसमें बाय दिस कमांड वी कैन मेंशन द टाइम, दिस इज द सेट मैक्स एज। सो यू यूज सेट मैक्स एज टू स्पेसिफाई हाउ लॉन्ग द कुकी शुड बी वैलिड, कितने समय तक कुकी वैलिड होगी, कितनी इसकी लाइफ होगी। सो फॉर गिविंग लाइफ टू द कुकी वी हैव टू राइट कुकी डॉट सेट मैक्स एज, दिस इज 60 × 60 × 24 मीन्स 24 डेज ईच डे, है ना, यहाँ पे 24 आवर मल्टीप्लाई ईच आवर इज 60 अप टू ये एक घंटा 60 मिनट का और 60 एक मिनट 60 सेकंड का। सो वी विल राइट हियर सेकंड, सो 60 × 60 × 24 तो जितना आया वो हमारा यहाँ पे इसकी एज हो जाएगी कुकी की सेट मैक्स एज। मीन्स दिस कुकी विल नॉट डिलीट अप टू 24 आवर, 24 आवर के बाद ही ऑटोमेटिकली ये कुकी हमारी डिलीट हो जाएगी। सो वी आर गिविंग हियर सेट मैक्स एज ऑफ कुकी। अगर हम इसको 30 दिन के लिए करते हैं तो मल्टीप्लाई 30 कर देंगे, तो इतने टाइम के लिए कुकी हमारी 365 करेंगे तो यहाँ पर एक साल के लिए हो जाएगी कुकी मल्टीप्लाई, इसके बाद मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो दिस कमांड इज यूज टू डिफाइन द एज ऑफ कुकी। एंड नंबर 3, सेंडिंग द कुकी इन टू HTTP रिस्पॉन्स हेडर, you use response.addCookie to add cookie in HTTP response header as follows. So response.addCookie, we have to write response.addCookie and then cookie. So see in this diagram again. So this is response and this is next and this is request. So with request we will send the cookie and with response we will send cookie also. So cookie will tell us the address of that system. Suppose this is the system where, from where we are sending the request. So we are sending the request from this system to server and server is responding. So server will respond to particular that cookie where it has received the request. So ye cookie se identify karega kis system se cookie aayi hui hai, usi system ko ye response karega. Otherwise ye response, kyunki ek server pe at a time thousands of users are active in a server. So, अब ये रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स किस सर्वर किस सिस्टम को भेजेगा, भाई 1000 लोगों ने रिक्वेस्ट किया हुआ है, अब रिस्पॉन्स जाना है तो रिस्पॉन्स किसको जाएगा, कौन से सिस्टम को जाएगा, तो इसके लिए कोई तो मेथड होना चाहिए। सो वी हैव कुकी, तो ये क्या करेगा कि ये रिक्वेस्ट किस कुकी से आई हुई है, सो अकॉर्डिंगली उसी कुकी को ये रिस्पॉन्स सेंड करेगा। सो दिस इज द मेन बेनिफिट ऑफ द कुकी। सो बाय दिस कमांड वी कैन क्रिएट कुकी, cookie equals to cookie and its object equals to new cookie and then key comma value and the second command set max age means kis samay tak cookie hamari active rahegi and the third one sending the cookie into HTTP response header you use response dot add cookies एड कुकी टू एड कुकी इन HTTP रिस्पॉन्स हेडर। तो इसको जब हम रिस्पॉन्स करते हैं तो उस समय हम कुकी को ऐड करते हैं, तो रिस्पॉन्स टू एड कुकी एंड द नेम ऑफ कुकी। तो नाउ सी इन दिस प्रोग्राम वी हैव यूजर नेम एंड पासवर्ड, वी हैव फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, इसको हम यूजर नेम पासवर्ड भी कह सकते हैं। सो हियर वी हैव गिवन फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, फर्स्ट नेम इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम फर्स्ट नेम, then br tag and then we have written last name input type text name last name input type submit, we have submit button. So when we will click on this submit button it will activate execute this main.jsp, this may be HTML as well as
जेएसपी index.html और index.jsp, इसको जेएसपी भी लिख सकते हैं, एचटीएमएल भी लिख सकते हैं, बेसिकली इट इज एचटीएमएल प्रोग्राम। नाउ दिस इज main.jsp। सी वी आर एक्टिवेटिंग दिस एक्शन व्हेन वी विल क्लिक ऑन सबमिट बटन, सो इट विल ओपन दिस main.jsp। सो इन व्हेन वी विल स्टार्ट main.jsp वी हैव कुकीज स्टेटमेंट, पहले कुकीज स्टेटमेंट आए, उसके बाद फिर हमारा ये रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर फर्स्ट नेम एंड रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर लास्ट नेम, ये दो स्लाइड है बट द प्रोग्राम इज वन प्रोग्राम main.jsp। सो हियर कुकी फर्स्ट नेम इक्वल्स टू न्यू कुकी फर्स्ट नेम इक्वल्स टू न्यू कुकी एंड फर्स्ट नेम बिकॉज द टेक्स्ट बॉक्स इज फर्स्ट नेम टेक्स्ट बॉक्स फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, पहला टेक्स्ट बॉक्स फर्स्ट अंडरस्कोर नेम एंड द सेकंड टेक्स्ट बॉक्स इज लास्ट अंडरस्कोर नेम, सो वी हैव मेंशनड हियर एफ नेम एंड एल नेम, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, सो दिस इज की, दिस इज न्यू कुकी एंड दिस इज की, यू कैन सी हियर न्यू कुकी की एंड वैल्यू, सो की इज एफ नेम एंड एल नेम लास्ट नेम, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, एफ नेम फॉर फर्स्ट नेम, एल नेम फॉर फर्स्ट लास्ट नेम, सो वी विल राइट हियर रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर फर्स्ट नेम, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर लास्ट नेम, सो ऑटोमेटिकली व्हेन वी विल एग्जीक्यूट main.jsp देन दीज द वैल्यू ऑफ फर्स्ट नेम टेक्स्ट बॉक्स एंड द वैल्यू ऑफ लास्ट नेम टेक्स्ट बॉक्स ऑटोमेटिकली ट्रांसफर टू द एफ नेम एंड एल नेम, सो दीज टू की, सो दीज आर द पार्ट ऑफ कुकी, दीज आर द पार्ट ऑफ कुकी, सो वी हैव बीन टू फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, टू ऑब्जेक्ट ऑफ कुकी फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, सो टू कुकीज आर हियर, तो फर्स्ट कुकी इट्स नेम की एंड इट्स वैल्यू, सो वी हैव रिटन हियर रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, रिक्वेस्ट डॉट व्हेन वी विल एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम ऑन सर्वर देन वी विल राइट रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, दिस इज रिक्वेस्ट, यू कैन सी अगेन इन द डायग्राम वेर वी हैव मेंशनड रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट दिस इज रिक्वेस्ट कुकी विद रिक्वेस्ट, यहाँ पे हमारा रिक्वेस्ट दिया हुआ है तो इसके साथ हमारी कुकी जा रही है, तो इन दिस प्रोग्राम वी हैव बीन टू कुकी, फर्स्ट कुकी इज एफ नेम एंड सेकेंड कुकी इज एल नेम, तो हम यहाँ पे दो कुकी भेज रहे हैं फर्स्ट नेम एंड एल नेम, सो वी हैव बीन फर्स्ट नेम लास्ट नेम कुकी फर्स्ट नेम, दिस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ कुकी फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंड दिस इज द की वैल्यू ऑफ कुकी एफ नेम एंड एल नेम, सो वी आर राइटिंग हियर request dot get parameter f name, request dot get parameter last name, first underscore name, last underscore name, first underscore name are the variable of this initial file index.jsp, first underscore name, last underscore name, and now we are setting the age of these cookies, set expiry date when these cookie will expire, ye cookie kab expire hongi, kab banengi, banti bhi automatically hai, banengi kab जब हम लॉगिन करेंगे, लॉगिन करते ही कुकी विल बी इनिशिएटेड एंड एट द टाइम विच वी हैव मेंशनड हियर, इस टाइम पे ही कुकी आपकी डाई हो जाएंगी, ये एक्सपायर हो जाएंगी, तो सेट एक्सपायरी डेट आफ्टर 24 आवर ऑफ बोथ कुकी, तो दोनों कुकी फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, सेट मैक्स एज 60x60x24, 60 सेकंड x60 मिनट x24 सो दिस इज द एक्सपायरी ऑफ फर्स्ट कुकी एंड दिस इज द एक्सपायरी ऑफ सेकंड कुकी, एड बोथ कुकीज इन रिस्पॉन्स हेडर, सो रिस्पॉन्स डॉट एड कुकी एंड ड्यूरिंग रिक्वेस्ट वी विल हैव दीज कुकीज एंड ड्यूरिंग रिस्पॉन्स वी विल हैव response.addCookie first name, response.addCookie last name, तो यहाँ पे हम इसको first और last name को जो हम यहाँ पे response में add करेंगे, तो फिर से आप समझिए कि cookie की क्या हमको जरूरत है, cookie जब हम इसका practical example ये है कि अगर हम suppose number of person, suppose 500 people are doing transaction at a time in their bank, सपोज SBI में अगर 500 लोग एक बार में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं एट ए टाइम, सो विच रिक्वेस्ट केम फ्रॉम विच क्लाइंट, है ना, किस कौन सी रिक्वेस्ट किस क्लाइंट से आई है, किस क्लाइंट ने विड्रॉल के लिए अप्लाई किया है और किस क्लाइंट ने डिपॉजिट के लिए किया है, उसी क्लाइंट का विड्रॉल हो,
दूसरे क्लाइंट का ना हो। सपोज विड्रॉल, हमने किसी क्लाइंट ने विड्रॉल की रिक्वेस्ट भेजी और हम विड्रॉल किसी और का कर ले रहे हैं, ऐसा ऐसा ये ट्रैक करना है आपको कि किसने रिक्वेस्ट भेजी विड्रॉल के लिए। तो जिसने विड्रॉल के लिए रिक्वेस्ट भेजी उसी का विड्रॉल हो, दूसरे का ना हो, तो वो कुकीज, उसको कुकीज की हेल्प से हम ये सब कुछ कर पाएंगे, क्योंकि हम चेक करेंगे कि रिक्वेस्ट किसकी आई उसकी कुकीज चेक करेंगे, और रिस्पॉन्स किसको जा रहा है उस सेम कुकीज को रिस्पॉन्स, वी विल सेंड द रिस्पॉन्स टू सेव कुकीज। सो वी हैव रिटन हियर रिस्पॉन्स डॉट एड कुकी फर्स्ट नेम, रिस्पॉन्स डॉट एड कुकी लास्ट नेम, एंड देन दिस इज आवर प्रोग्राम वेयर वी आर getting request dot get parameter first name and request dot get parameter last name. तो हम यहाँ पे first name और last name को input करा रहे हैं. This is the program. We have written here HTML head portion. This is body portion. Inside the head we have written here setting cookie title, and then we have written here center. Then heading setting cookies slash h1 center is closed here. This heading is in center. Now we are writing here li and li, and inside li we are writing here in bold first name, it is closed here, and then we are printing here percentage equal sign is used to print request dot get parameter first name, request dot get parameter last name. So these two value will be printed, li will be closed here and body closed here and main is closed here, html is closed here. So this is the program. Before the program we must have to write cookies. By this, these two lines we can create the cookies, and by this line we can set the expiry time of the cookie, and by this these two lines we are setting the response dot add cookie. We are adding cookies with the response. The first name and last name are added with the response. So ye response ke sath humne isko add kar diya hai. So this way, this is the program of cookie, and now two more program we have been. These are the reading cookie and writing deleting cookie. So in next lecture, I will explain you how to read cookie and how to write cookie. So you must understand this concept, because this is very important for developing and client server J2E. Software J2E Java 2 based software. So thank you very much for the lecture.